जय किसान आंदोलन ने पिछले 10 दिन की शानदार ट्रैक्टर यात्रा में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में जनता का प्रेम पाया। कहीं से भी कानून व्यवस्था की कोई शिकायत नहीं थी और उस सबका समापन एक शानदार रैली के रूप में हुआ, जिसमें दिल्ली नहीं देश के माने हुए सबसे बुजुर्ग पत्रकार कुलदीप नायर, सबसे बड़े बुजुर्ग वकील शांति भूषण जी से लेकर के तमिलनाडु, आंध्र, केरल, उड़ीसा, बंगाल, असम, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, गुजरात, महाराष्ट्र के लोग आए और उन्होंने किसानों के सवाल पर देश का ध्यान खींचा। दूसरी बात, हमें बहुत खुशी है कि जैसे ही योगेंद्र यादव बैंकट पुष्कर एमएलए और 80-90 वॉलेंटियर्स, हमको संख्या ठीक से नहीं मालूम, उनकी गिरफ्तारी की खबर आज की तरह फैली, रात से ही भाई प्रशांत भूषण जी से लेकर के साधारण नागरिकों का एक बड़ा जत्था इस पुलिस स्टेशन के सामने मौजूद रहा। ये इस बात की गारंटी है कि दिल्ली में पुलिस राज लाने की कोशिश भले हो, लेकिन दिल्ली की जनता दिल्ली की पुलिस राज की कोशिशों को नाकाम करेगी और इसमें हम जिन्नू ने भी समर्थन दिया है। मैं आपको बता नहीं सकता नाम, लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल के भी कुछ लोगों को हमने जब समाचार दिया, उन्होंने अफसोस जाहिर किया है। इसलिए पुलिस राज को बनाने की कोशिश करने वालों, अगर आप अपनी हरकत से बाहर नहीं आओगे तो हम 48 घंटे के अंदर इसी दिल्ली में इसी पार्लियामेंट डिस्ट्रिक्ट के आगे पीछे कहीं कॉन्स्टिट्यूशन स्तर से लेकर के इस थाने के सामने सर्वदलीय विरोध सम्मेलन भी करेंगे और इसको हम छोड़ देंगे। हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज 11 बजे से उसी जनतक मंत्र पर होने वाली थी,